इंदौर नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी बनाने के उद्देश्य से की गई तोड़फोड़ से अब आम व्यापारियों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ व्यापारी आज कमिश्नर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ निगम भेदभाव कर रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों निगम द्वारा छत्रीबाग क्षेत्र में व कपड़ा मार्केट क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण को लेकर तोड़फोड़ की गई थी। वहीं यहां के व्यापारियों ने भी निगम का साथ देते हुए अपने निर्माण खुद हटाए थे। निगम ने उन्हें आश्वासन दिया था कि 100 दिनों के अंदर सारे सड़क चौड़ीकरण के काम निपटा दिए जाएंगे, लेकिन अब तक वहां पर किसी तरह का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, जिसके चलते आज हिंदू मुस्लिम एकता संघ के कुछ लोग कमिश्नर कार्यालय पहुंचे व ज्ञापन देकर निगम पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। ये हमारे दरगाह चौराहे छतीबाग नरसिंह बाजार नया पीठा कागजीपुरा और ये सभी दुकानदार जो एक हिंदू मुस्लिम व्यापारी एसोसिएशन 500 दुकानदारों की बनी हुई है और वहाँ पास में कपड़ा मार्केट के अंदर तेज गति से काम चल रहा है और 100 दिन का वादा कर रहा था कि हम 100 दिन के अंदर इधर का कार्य पूरा कर देंगे, लेकिन वही कपड़ा मार्केट में रात और दिन काम चल रहा है और इधर ही दरगाह चौराहे दरगाह चौराहे से छतीबाग तक लेकर वहाँ बिल्कुल इतनी धीमी गति से काम चल रहा है। सारे दुकानदार वहाँ हॉस्पिटल भी हैं, स्कूल भी हैं, गड्ढे हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं और बच्चों को सरिये तक लग गए हैं निकले हुए। अभी 2 दिन या 3 दिन पहले एक इलेक्ट्रिक का खंभा पूरा ऐसा गिरा कि बहुत बड़ी घटना होती है बची वहाँ पर, और इतने ग्रस्त हैं लोग वहाँ पर, परेशान हो गए हैं। कारोबार तो बैठी गए, कोई चढ़ने को राजी नहीं, पूरा चारों तरफ से टूटा फूटा पड़ा हुआ है। अब हमारा यही कहना है कि वहीं क्लॉथ मार्केट के अंदर ये भी व्यापारी लोग हैं, ये भी सब एक देश के इंदौर के नागरिक हैं, वहाँ इतनी तेज गति से काम चल रहा है, पक्षपात वहाँ भेदभाव क्यों, इधर क्यों नहीं हो रहा है कि 100 दिन का जो वादा था। अच्छा, आपने